संवाद लेखन संवाद लेखन की परिभाषा जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है तब वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को जो का क्यों लिखकर भी। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे सहज तथा स्वाभाविक होना चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो, उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित जिन शब्दों का प्रयोग कोई न करता हो, शब्दों का प्रयोग न हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद हंसी मजाक का समावेश भी होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर है उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य एक और दृश्य दो करके बांटना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। संवाद लेखन के उदाहरण रोगी और वैद्य का संवाद। रोगी औषधालय में प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। वैद्य नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। रोगी आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। दूध खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य अच्छा नमस्कार धन्यवाद।